विधानसभा, लोकसभा, अब उसके ऊपर तो बहुत ऊपर पर लोकसभा है। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि अब ऊपर जाने का समय भी आ गया है, तो क्या तब तेजस्वी यादव को देंगे कुर्सी? आखिर कब कुर्सी दी जाएगी? ललन सिंह की बेचैनी बढ़ी जा रही है, गुस्सा इतना है कि किसी से लड़ाई हो जा रहा है। ऐसे में कोई क्यों नीतीश कुमार पर उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं दे रहा है? एक व्यक्ति जरूर दे रहा है, खाटी राजपूत सुनील सिंह। नीतीश कुमार से काफी दूर थे, अब सुनील सिंह ने मौका दे दिया तो कूद गए समर में और सुनील सिंह को भाजपाई घोषित कर दिया। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पर चले जाना, दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में चले जाना तेजस्वी को लेकर, अपनी फजीहत भी कराना, उनकी भी कराना। नमस्कार, ये गेम बड़ा है। बिहार की राजनीति में जो खबरें पर्दे के पीछे छुपी रहती हैं उनका कान पकड़कर आपके सामने लाने का ठेका इस खबर में हम लेते हैं। अब आपको तो अच्छे से पता है, ये बात सर्वविदित है, मुझे इस खबर के कान पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये खुद पर खुद माई बाप हजूर कह रहा है, ये खुद से सरकारी गवाह बन रहा है। नीतीश किस तरफ जाएंगे, क्या इस गठबंधन में रह जाएंगे, असंभव लगता है। लेकिन फिर उधर भी तो रास्ता नहीं है, उधर भी तो भाजपा जो शर्तें रखी हुई है और जिस तरीके से रेड कारपेट बिछाकर नीतीश को बुलाने की कोशिश की जा रही है, डर तो लग रहा होगा नीतीश कुमार को। आखिर क्या हो जाए? क्या भाजपा हाथ बढ़ाकर नीतीश कुमार से हाथ फिर खींच ना ले? शायद इसीलिए एक तरफ जहां जदयू गठबंधन है वो अपनी तरफ से इशारे कर रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है, हम इंडिया में ही हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि कांग्रेस, राजद समेत, यानी जो लेफ्ट की पार्टियां हो या राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी हो, सभी नीतीश कुमार के एक्शंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, सभी नीतीश पर शक की निगाह से देख रहे हैं। संशय तो नीतीश पर पहले से ही है, विश्वसनीयता तो नीतीश ने बहुत पहले खो दी थी, लेकिन राजनीति में इस तरह की विश्वसनीयता का आज के समय में चर्चा करना बेईमानी है, सभी उसी हमाम में नंगे। नीतीश कुमार पर बस आरोप इसलिए लगता है और नीतीश कुमार को इसलिए बार बार पलटने को लेकर उन पर आरोप लगाकर उनको एक सर्टन करेक्टर असेसिनेशन का किया जाता है, क्योंकि वो खुलेआम करते हैं, बाकी लोग रात के दोपहरी दिन में साझी पहर अपना लुका के भेंट करता है, लोग कोई होटल में मिल लिया, कोई बिना बताए चला गया, कोई पटना आया एयरपोर्ट पर पता तक नहीं चला नीतीश को मनाने के लिए। खैर ये काम नीतीश कुमार का नहीं है, जो करते हैं ठोक पीट के करते हैं। हाँ ये बात जरूर है कि अंतिम समय तक अपने इस हाथ को पता नहीं चलने देते हैं कि क्या करने वाले हैं इस हाथ से, शायद इसी वजह से दोनों हाथ कल आपस में टकरा गए थे, समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। खैर मैं वो बताने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको एक बात बताने आया हूँ कि आखिर जब इतना नीतीश कुमार, एक तरह से उसको तानाशाही कहा जाएगा ना, जो रवैया नीतीश कुमार इख्तियार कर रहे हैं उसे तानाशाही कहा जाएगा। अपनी पार्टी में तो ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी में जब दूसरे के फटे में टांग अड़ाइएगा तो क्या होगा? विवाद तो होना लाजमी है। देखिए कांग्रेस और राजद के कोटे के मंत्रियों को नीतीश कुमार ने बनने तो नहीं दिया और अब बनने भी नहीं देंगे जहां तक उनकी बात है। ऐसे में दोनों पार्टियों को झटका लगता है। लेफ्ट की पार्टियां तो पहले ही, जब कांग्रेस और बाकी दलों के साथ साथ उनको भी ऑफर था कि आप आइए सरकार का हिस्सा बनिए, तो जो बारगेन वाला गेम खेलना चाह रहे थे नीतीश कुमार से, कहा कि ठीक भाई तो हम नहीं बनेंगे, तो नीतीश कुमार ठीक है मत बनिए, जाइए बाहर से सपोर्ट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा बारगेन कोई नीतीश कुमार साथ कर सकता है? देखिए प्रथम दृष्टा तो असंभव है, नीतीश खुद इतने बड़े बारगेनर हैं कि उनके साथ कोई बारगेनिंग नहीं कर सकता है, लेकिन आखिर क्या मजबूरी है कि राजद जैसी पार्टी जिसके विधायकों की संख्या इतनी ज़्यादा है, जो चाहे तो जदयू में से विधायक तोड़ ले, जो चाहे तो भाजपा के विधायकों को भी इन्फ्लुएंस करे, जो चाहे तो सरकार आज बना ले या कल, सभी कह रहे हैं भाई 24 में नहीं 25 में, 20 में नहीं 22 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आखिर नीतीश कुमार के साथ जाकर और इतना बर्दाश्त करके जदयू क्यों सरकार का हिस्सा बनी हुई है? क्यों नहीं आलोक मेहता का जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग नीतीश कुमार ने कैंसिल किया, एक बड़ा विद्रोह कर देते, चंद्रशेखर को जिस तरीके से सेतने की कोशिश की गई, मेरे शब्दों में नहीं किसके शब्दों में आप जानते हैं, चर्चा भी उन्हीं के बारे में है, तो क्यों नहीं वहीं विवाद कर दिया गया, तेजस्वी के विभाग पर भी हमला किया गया, G20 में चले गए, खैर G20 में गए तो कुछ बोल नहीं सकता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पर चले जाना, दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में चले जाना तेजस्वी को लेकर, अपनी फजीहत भी कराना उनकी भी कराना। भाजपा के
कार्यक्रमों के साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सिंक्रोनिसिटी लगता है। ये शब्द थोड़ा व्यापक है। सिंक्रोनिसिटी क्यों लगता है? क्योंकि जब नीतीश कुमार किसी गठबंधन में होते हैं तो एक अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इसके व्यापक असर होंगे। इंडिया गठबंधन के सभी दल, लगभग जितने दल हैं, सभी नीतीश कुमार को वेलकम कर रहे हैं। भाजपा का रवैया भी नीतीश कुमार को लेकर काफी सॉफ्ट हो गया है। अगर अब खेला नहीं हो तो कब होगा? खैर, नीतीश कुमार और इस खेला पर हमारी नजर नहीं है। मैंने जो सवाल आपसे पूछा था, क्यों राजद बर्दाश्त कर रही है, कांग्रेस तक नीतीश कुमार को आंख दिखा देती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ा उनका हैसियत नहीं है बिहार की राजनीति में, लेकिन बार बार नीतीश कुमार को आंख दिखाते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पे नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो नहीं करता है उसी से करवाने हम लोग को आता है। राहुल गांधी भी आंख दिखा कर गए थे। इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने कैसे हाईजेक किया ये भी आप जानते हैं। इससे नीतीश की नाराजगी भी आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि नीतीश संयोजक बनना चाहते थे, कांग्रेस बने भी नहीं करेगी। कोई कितनों गारंटी ले ले, नहीं बनाएगी। निश्चित तौर पर राजद जब जदयू के साथ आई तो तेजस्वी यादव के बचे खुचे भी संभावनाएं मुख्यमंत्री बनने के समाप्त हो गई। कोई कह रहा था कि 6 महीना में बनेगा, कोई कह रहा था कि बस बन नहीं वाले हैं, हमें भी लगा कि बन जाएंगे। अब रिश्ता अच्छा है तो बना ही ना भाई। आप बार बार कह रहे हैं कि अब मेरे बाद यही संभालेंगे। अब आपके बाद क्या मतलब, विधानसभा, लोकसभा, अब उसके ऊपर तो बहुत ऊपर पर लोकसभा है। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि अब ऊपर जाने का समय भी आ गया है। तो क्या तब तेजस्वी यादव को देंगे कुर्सी? आखिर कब कुर्सी दी जाएगी? ललन सिंह की बेचैनी बढ़ी जा रही है, गुस्सा इतना है कि किसी से लड़ाई हो जा रहा है। तेजस्वी यादव जरूर पेशेंटली खड़े हैं नीतीश कुमार के पीछे, लेकिन उनका भी पेशेंस जवाब दे रहा है। ऐसे में कोई क्यों नीतीश कुमार पर उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं दे रहा है? कोई दे रहा हो या ना दे रहा हो, एक व्यक्ति जरूर दे रहा है, खाटी राजपूत सुनील सिंह। सुनील सिंह जो बिस्कोमान के चेयरमैन हैं और राजद के कोषाध्यक्ष रहे हैं, MLC भी हैं, लालू परिवार के बड़े करीबी हैं। राजपूत नेता के तौर पर अपने आप को प्रचारित तो नहीं करते हैं, लेकिन राजपूतों का एक बड़ा जमावड़ा उनके आसपास है। कभी भी आप उनसे मुलाकात कीजिएगा तो 10-20 गो राजपूत नेता आपको मिल जाएंगे। विभिन्न राजपूत नेताओं के साथ उनकी रिश्तेदारी भी है, अब उसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि सुनील सिंह बार बार नीतीश कुमार को उन्हीं की भाषा में जवाब देते आए हैं और दे भी रहे हैं। राजद जहां कोई भी फैसला नीतीश को लेकर नहीं कर पा रही है, नीतीश द्वारा कोई फैसला अगर पलट दिया जा रहा है राजद का, उस पर बर्दाश्त कर ले रही है। जो विवाद शुरू हुआ था एक भूमिहार कोटे के मंत्री कार्तिक मास्टर से, वो राजपूत नेता जगदानंद सिंह के पुत्र, वहां से मामला वहां तक पहुंचा और उसके बाद सुधाकर सिंह से उठता हुआ ये मामला आया चंद्रशेखर तक। चंद्रशेखर के बाद आपने सुना आलोक मेहता के साथ क्या हुआ। निश्चित तौर पर ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन इस दौरान भी आपने देखा था कि जब तेजस्वी यादव चुप रह गए, लगातार फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया और विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार सुनील सिंह एग्रेसिवली एक्टिव थे और हमला उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आ रहा था उसी हिसाब से वापस दे रहे थे। आपको याद होगा कि एक समय ऐसी परिस्थिति आ गई कि लगा कि सुनील सिंह के चलते ही सरकार गिर जाएगी। तब सुनील सिंह को लालू यादव ने बुलाकर चुप करा दिया। लालू यादव की बात थी, मान गए, चुप हो गए। सदन में कई बार नीतीश कुमार से जब विपक्ष में थे तब भी हुआ था दो दो हाथ, जब सत्ता पक्ष में आए तब भी दो दो हाथ हुआ। देखिए, सुनील सिंह की लड़ाई कोई ऐसे ही खानदानी या जमीनी नहीं है नीतीश कुमार से। दरअसल नीतीश कुमार के क्रियाकलाप से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं सुनील सिंह। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से बिहार में अनावश्यक योजनाओं में पैसा लगता है, चाहे दो जो म्यूजियम है नए पुराने उनके बीच में सुरंग बनाने की बात हो या अलग अलग सौंदर्यीकरण की बात है, उसके जगह अगर रोजगार के मुद्दों पर बातचीत की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। छपरा में ही सुने थे कि सैमसंग का एक बड़ा फैक्ट्री लगने वाला था, नहीं, नीतीश कुमार ने ऐसा पेच में फंसाया उस कागज को कि सैमसंग ही भाग गई यहां से। इस पर फोकस उनका होता है। आज जो बिस्कोमान में
सहकारिता का जो एक कार्यशाला चलता है, जिसमें सहकारिता की अलग अलग योजनाओं से जनता और जो खास तौर पे किसान समाज है उसको मदद दी जाती है। कभी आप सुनते होंगे कि 60 रुपए किलो दाल बेचा रहा है, कभी 200 रुपए किलो टमाटर हो गया था तो वो 50-60 में बिक रहा था, कभी आलू कभी प्याज ये बिकता रहता है। यूरिया का एक बड़ा जो किसानों के मदद के लिए होता है वहाँ से खेप जाता है। आज 35वां आम सभा था बिस्कोमान में, जिसमें बिहार झारखंड के सहकारिता के लोग आए थे। एक बड़ा जुटान था। उस जुटान में जब पत्रकारों ने पूछा सुनील सिंह से कि भाई सरकार से कितना मदद मिल पा रहा है आपको, सहकारिता का बिहार में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं सहकारिता के कार्यों के, तो उन्होंने कहा कि पिछले मासिक जो साल है उसमें लगभग 9 करोड़ रुपए का हमने फायदा मुनाफा कमाया है जनता का मदद करके। उन्होंने ये भी कहा इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। उल्टा अगर उन्होंने कहा तो नहीं, अगर पीछे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि जब बिस्कोमान में प्याज बटने लगा, जब बिकने लगा कम दरों पर, तब भी पटना पुलिस ने उन पर FIR दर्ज कर दिया था। इससे पूर्व में भी जब कोरोना के वक्त मदद का चल रहा था पूरा कारवां, उसमें भी हो गया था इनके साथ विवाद। तो कहीं ना कहीं विवाद तो चलता आ रहा है, लेकिन सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया इनका, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया। उल्टा ये भी इन्होंने कह दिया कि अगर सरकार का बस चले तो बिस्कोमान को ही हटा दें यहाँ से। बड़ी बात है, निश्चित तौर पर जिस सरकार का हिस्सा सुनील सिंह खुद हैं, उस सरकार के मुखिया पर इस तरीके का आरोप लगाना या तो बहुत बहादुर है सुनील सिंह कि उन्हें डर नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस बार गुस्सा होंगे, तो पिछली बार तो शायद सुने थे कि सभा में बुलाकर सबके बीच में डांटे थे, तो इस बार कोर्ट मार्शल मत कर दें। हो सकता है कि बहुत बहादुर हो, या हो सकता है कि बहुत मूर्ख हो, उनको समझ में नहीं आता हो ये चीज़ें। बिस्कोमान में जो सहकारिता का चल रहा है पाठशाला, उससे सरकार क्यों नाराज होगी? आखिर जनता की मदद कोई करना चाहेगा तो उससे नाराजगी क्यों होगी? ये तो सवाल का जवाब नीतीश कुमार को देना होगा, क्योंकि ये बात नीतीश कुमार के खेमे में उन्होंने खुद डाल दी। उन्होंने खुद कहा कि इसका जवाब तो नीतीश कुमार को देना होगा ना। अब इससे 2 दिन पहले जाइए, ठाकू के लड्डू, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। ये ठाकू के लड्डू आखिर चलती रेल में मिल कैसे गए? अब मिल गए तो तस्वीर लगाने की जरूरत थी। निश्चित तौर पर सुनील सिंह अपने अंदर की पीड़ा, दर्द, दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेताओं के हित में सरकार को बचाए रखने के लिए वो अपने अंदर की पीड़ा को अंदर ही मार देते हैं, लेकिन व्यंग्यवान है, छूट ही जाते हैं। अब ठगू के लड्डू लगा दिया उन्होंने, भाजपा सरीखे पूरे देश की मीडिया ने, हमने भी खबरें चलाई और हमने जोड़ दिया उसे नीतीश कुमार से, कैसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। नीतीश कुमार ही हैं, अब तक जितना भी इनके शब्द बांध छूटे हैं सब शब्द बेदी बांध जाकर नीतीश कुमार को ही लगते हैं, और नीतीश को लगते हैं तो उधर से बलबला के कई लोग निकलते हैं। पिछली बार जब ये सेतने वाली बात इन्होंने की थी चंद्रशेखर को लेकर, नीतीश कुमार कुछ रखते हैं विशेष लोगों को जिससे सेत देते हैं, तो क्या हुआ था? अशोक चौधरी ने कमान संभाल ली थी, नीतीश कुमार से काफ़ी दूर थे, अब सुनील सिंह ने मौका दे दिया तो कूद गए समर में और सुनील सिंह को भाजपाई घोषित कर दिया। अब आजकल ललन सिंह जी जिस तरीके से लड़ाई हो रही है या पार्टी दो फाड़ हो रही है, कहा जा रहा है कि जो NDA की तरफ खींच रहा है कुनमा नीतीश कुमार को, उसके नेता अशोक चौधरी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कैसे आरोप लगा रहे थे सुनील सिंह पर और अब खुद उन्हीं पर आरोप लग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम तो हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम के मंच पर भी सुनील सिंह अपने जज्बातों को रोक नहीं पाए। नीतीश कुमार के खिलाफ वो बातें उन्होंने फिर कह दी जो बात तेजस्वी यादव, लालू यादव के मन में तो हैं, लेकिन पता नहीं किस डर से वो बोल नहीं पा रहे हैं। शायद सरकार चली जाए इस बात का डर हो, शायद नीतीश नाराज हो जाए इस बात का डर हो। नीतीश तो रोज ही नाराज होते हैं बच्चे की तरह, कभी बेंगलोर वाली बैठक में तो कभी मुंबई वाली बैठक में, आगे भी बैठकों होंगी। इंडिया गठबंधन की बैठक जब दिल्ली में हुई थी, नीतीश कुमार ने भेजा नहीं ललन सिंह को। भविष्य बड़ा अहापोह में है, ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ा बिग बैंग की आवश्यकता है, जिससे चीज़ें व्यवस्थित होकर अपने निश्चित धुरी पर जाकर चली जाए। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा तो जरूर होगा,
लेकिन तेजस्वी यादव की ताजपोशी वो बड़ा कारण नहीं हो। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।